BSc Part 2 सब्जेक्ट फिजिक्स पेपर 1 यूनिट 2 लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लोग ल्यूमर और प्रिंस हाइस के 1889 के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग, जैसे आप सबको शायद याद हो कि हम लोगों ने ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे रख करके एक ग्राफ प्लॉट किया था और उस ग्राफ में आपने एक कंक्लूजन निकाला था कि जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो टेम्परेचर जिस तरीके से इंक्रीज होते जाता है उसके अकॉर्डिंग आपने ये देखा होगा कि जो पीक था वो शिफ्ट हो रहा था। शिफ्ट हो रहा था मतलब पीक इंक्रीज तो हुआ लेकिन वेवलेंथ उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज हो रहा था। तो हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला था उस टाइम लेक्चर में, हम लोगों ने एक बात कही कि ये जो लैम्डा एम है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसको आपने कहा था कि ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। क्या नाम दिया था इसको आपने? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये टॉपिक था आपका या ये टॉपिक है कह दीजिए। क्लियर है बात? ये हम लोगों ने ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा, उसके ग्राफ प्लॉट किए, ग्राफ प्लॉट करके हमने एक कंक्लूजन निकाला लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको हमने नाम दिया है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसको और थोड़ा अगर एक्सप्लेन करना चाहिए आप तो वेन्स के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे लैम्डा एम और ये टी ट्रांसफर होगा तो इसको आप कर दीजिए बी बाई टी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने बी ले लिया और इसमें क्या आएगा लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी और ये जो बी है इसी को आप लोग वीन कांस्टेंट बोलते हैं और वीन ने के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अगर आप लिखें तो 2.884 इंटू 10^-3 एम के है, मीटर कैल्विन। क्लियर है बात? ये तो एक्सपेरिमेंटल जो कंक्लूजन था उसके अकॉर्डिंग है ना। इसमें आप लोगों ने ये कहा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो रेडिएशन होता है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है, जो वेवलेंथ हटता रहता है या खिसकते रहता है उसी को हम लोगों ने नाम दिया वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्लियर है? ब्लैक बॉडी से एमिटेड मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या ये कह दीजिए कि कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के व्यतक्रमानुपाती होती है यदि ताप टी पर कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम हो तो। और ये बी की वैल्यू, बी को आपने वीन कांस्टेंट कहा है। ठीक, अब इसके बाद इससे एक चीज और क्लियर हुआ। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब लोहे के रॉड को आप गर्म करो, जब आप लोहे के रॉड को गर्म करते हैं तो क्या होता होगा, ऑब्जर्व करें हैं आप लोग, देखे होंगे पहले वो रेड कलर का हो जाता है
और गरम कर देंगे तो येलो कलर का हो जाता है, और पीक पे जब गरम कर देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। देखिए वेवलेंथ कैसे शिफ्ट होते जा रहा है, रेड रहा, येलो हुआ, और उसके बाद ब्लू हो गया, नीला हो गया। इसको हम लोग डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए एक कंसिडरेशन कर लीजिए कि आपके पास जो वो ब्लैक बॉडी है वो स्फेरिकल है, और आपने ये भी कहा था कि रेडिएशन ब्लैक बॉडी के अंदर गैस मॉलिक्यूल के टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं, और वॉल पे क्या करते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं। इसका मतलब ये जो ब्लैक बॉडी है इसको अगर आपको डिराइव करना है तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका ब्लैक बॉडी स्फेरिकल है, गोलाकार है, और उसकी जो दीवारें हैं वो कंप्लीट रिफ्लेक्टर है, और जब उस पर विकिरण यानी कि रेडिएशन प्रेशर अप्लाई करेगा तो वो फैलता होगा। क्या माना आपने कि आपके पास ब्लैक बॉडी है वो स्फेरिकल है, और उसकी जो वॉल है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, पूर्ण परावर्तक है, और उस पर जब रेडिएशन प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो प्रेशर लगने से क्या होगा, ये ब्लैक बॉडी ऐसे फैलता होगा। ये आपने मान लिया है। इसके बाद अगर ये कंसिडरेशन आपने किया है तो ये जो आपका स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है, गोलाकार कृष्णिका पिंड है, उसकी एनर्जी डेंसिटी अगर मैं पूछूं आपसे, ऊर्जा घनत्व अगर आप निकालें, तो इसको आप बोलेंगे यू बाई वी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये वी क्या है, उस गोलाकार कृष्ण पिंड का आयतन है। ये क्या निकाला हमने, यहां निकाल लिया आपने ऊर्जा घनत्व, क्या निकाला, ऊर्जा घनत्व। यहां तक क्लियर हुए भाई, ठीक है। अब इसको और आगे लेके चलेंगे, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कहते हैं, ये जो डी क्यू है ये होता है डी यू प्लस पी डी वी। अब एक काम कीजिए, अगर हम ये कहते हैं कि आपके जो ब्लैक बॉडी है उसमें चेंज जो हो रहा है, उसमें जो आयतन में परिवर्तन होगा, वॉल्यूम जो चेंज होगा, वो एडियाबेटिकली हो रहा है, रुद्धोष प्रक्रम में हो रहा है। तो अगर रुद्धोष प्रक्रम में होगा तो इन एडियाबेटिक प्रोसेस वी ऑल नो दैट डी क्यू मस्ट बी जीरो। क्या बोलूं मैं यहां पे, मैंने ये कहा कि आपका वो जो ब्लैक बॉडी है उसका जो आयतन चेंज होगा, उसका जो वॉल्यूम चेंज होगा, वो एडियाबेटिकली होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट की वैल्यू जीरो है। इसलिए आपका ये जो फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म चेंज हुआ, और चेंज होकर के इसको आप लोग क्या लिखेंगे, डी यू प्लस पी डी वी। क्लियर है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, यू की वैल्यू, तो जीरो इज इक्वल टू यू की वैल्यू यहां से ले लो आप, आपका इक्वेशन वन ले लेते हैं इसको, चलिए इसको आप चाहिए तो इक्वेशन वन कर दीजिए। तो यहां कितना हो जाएगा, यू की जगह ईवी प्लस पीडीवी। इसको अगर इजी करें या सिंपल करें तो ये क्या आ जाएगा, ईडीवी प्लस वीडीई, वो मल्टीप्लीकेशन वाला डिफ्रेंसिएशन, प्लस पीडीवी इक्वल्स टू जीरो। अब आप लोग ये भी जानते हैं, और ये माना था आपने जब हम लोग ल्यूमर और प्रिग्सहाइम के स्टडी को देख रहे थे, तो आपने एक बात ये कह के रखा है, या ये कहा था, ये माना था कि ये जो रेडिएशन होता है वो गैस मॉलिक्यूल टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं, और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, सभी संभव दिशाओं में एक नियत दाब आरोपित करते हैं। तो दाब अगर लगाएंगे तो कितना दाब होगा हर दिशा के हिसाब से, तो P का वैल्यू आप लोग यहां लिखेंगे E बाई थ्री। इसके पहले क्या लिखना होगा आपको, इसमें लिखना पड़ेगा कि ब्लैक बॉडी क्या करते हैं कि अंदर रेडिएशन गैस मॉलिक्यूल टाइप का बिहेवियर दिखाते हैं, इसलिए प्रेशर इक्वल्स टू E बाई थ्री होगा।
ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के हिसाब से। अब आप एक काम कीजिए, अपने इस इक्वेशन नंबर टू पे, ये टू इसको ले लीजिए, इसको आप थ्री कर दीजिए। अब इस इक्वेशन नंबर थ्री पे पी की वैल्यू रख लीजिए, थ्री पे पी की वैल्यू रखिए, तो यहां कितना हो जाएगा, ई डी ई ई डी वी प्लस वी डी ई प्लस ई बाई थ्री डी वी इक्वल्स टू जीरो। इसको सिंपल करिए, ये देखिए dv और ये dv, तो यहां कितना हो जाएगा, e प्लस e बाई थ्री, इन दोनों से dv प्लस vde इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, फोर बाई थ्री e dv प्लस वी डी ई इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें ईवी को डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड, दोनों पक्षों में ईवी को डिवाइड कर दो, तो एक इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ईवी को हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, क्यों किया, ताकि एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो और हम लोग फिर पूरे ब्लैक बॉडी के लिए स्टडी कर सके। ये तो डीवी के लिए स्टडी कर रहे हैं आप, तो डिवाइडिंग ईवी बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, सो यू गेट दिस। अब इसमें क्या होगा, ई और ई वाला टर्म कैंसिल होगा वी वाला, अब क्या मिला आपको, फोर बाई थ्री डीवी बाई वी प्लस डीई बाई इक्वल्स टू जीरो। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को। अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बन रहा होगा, देखिए ये हो गया फोर बाई थ्री इंटीग्रेशन, और ये फिर इंटीग्रेट किए तो डीई बाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये लॉग हो जाएगा, तो ये आ गया फोर बाई थ्री लॉग वी प्लस लॉग ई, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो यहां एक कांस्टेंट ले लो आप, लॉग सी मान लेते हैं, इजी कीजिए। तो ये लॉग वाले टर्म पे आप लोग को तो पता है ना, ये सामने जो रहता है वो एक्सपोनेंट होता है, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग वी टू द पावर फोर बाई थ्री प्लस लॉग ई इक्वल, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है भाई ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, प्लस होता है अगर लॉगरिथम का मतलब दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ जाएगा v टू द पावर फोर बाई थ्री ई इक्वल, यहां हो गया c। ये है आपका इक्वेशन नंबर फोर, यहां तक आपको ध्यान रखना है, और एक बार आप रिवाइज करके सोच लीजिए कि हमने क्या क्या किया और क्या माना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने क्या एज्यूम किया है, एक ब्लैक बॉडी को स्फेरिकल माना है जिसके वॉल कंप्लीट रिफ्लेक्टर है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर जो रेडिएशन होता है वो गैस मॉलिक्यूल टाइप का बिहेवियर दिखाता है और प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो आपका ये जो ब्लैक बॉडी है वो फैल सकता है या फैलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिंपल अपना मैथमेटिकल नॉलेज अप्लाई करते हैं इसमें, एकदम सिंपल सा, हमारा जो मैथमेटिकल लॉ है या मैथमेटिकल रूल है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है ये वी क्या है, उस स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम है, तो अगर उस स्फीयर का रेडियस हम लोग आर एज्यूम करते, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर is given by 4 by 3 pi r cube, r त्रिज्या के गोले का आयतन इतना होगा। और स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग को क्या पता है, पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे स्टीफन्स लॉ की, अकॉर्डिंग टू द स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग कहते हैं
कि E इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4, और इसको आपने स्टीफन कांस्टेंट कहा था, याद रखिएगा बेटा। जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं उसको लिखना बहुत जरूरी है, यहां आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए V क्या है, गोले का आयतन है। किस गोले का, जिसकी त्रिज्या आर है, वो ब्लैक बॉडी जिसको आपने गोला लिया था उसकी त्रिज्या आर है, तो वॉल्यूम ये होगा। और यहां लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं स्टीफन नियम के हिसाब से E इक्वल टू सिग्मा टी टू दी पावर 4 होता है। अब एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करें, एक जो आयतन वाला समीकरण निकला, ये दो नए समीकरण हमारे पास आ गए, V की वैल्यू और E की वैल्यू। अब एक नया इक्वेशन फॉर्म हम लोग को करवाना है, तो क्या करते हैं इस इक्वेशन 4 पे, ये देखिए ये वाला इक्वेशन 4 को अगर यूज करें तो ज्यादा इजिली सॉल्व हो सकता है। ये V की वैल्यू और E की वैल्यू इक्वेशन 4 पे रख दीजिए, वैल्यू ऑफ V एंड E सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4 पे E और V की वैल्यू रखते हैं अगर, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब टू दी पावर 4/3 सिग्मा टी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू सी। कोई डाउट नहीं, इजी करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई टू दी पावर 4/3 और ये आर टू दी पावर 4 सिग्मा टी टू दी पावर 4 इक्वल्स टू सी। चेक कर लीजिए, ये आर क्यूब टू दी पावर 4/3, तो 3 और 3 कैंसिल होके ये बन जाएगा। क्या कर सकते हैं इसमें, आप लोग लिखेंगे तो देखिए r टू दी पावर 4 t टू दी पावर 4 इक्वल होगा, ये सब कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है और इसका पावर एक कांस्टेंट आएगा, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सब के सब को अगर सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट बनने वाला है। तो यहां से rt इज इक्वल टू, ये जो पावर 4 है ये होल का पावर 4 होगा, और इसको अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं तो आपके पास ये बना 4/3 पाई टू दी पावर 4/3 सिग्मा टू दी पावर 1/4। ये सब के सब कांस्टेंट है और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा, और उस नए कांस्टेंट को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो कैपिटल सी है। तो क्या बना आपके पास, ये जो RT है इक्वल टू C आया, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 5। देखिए भाई, 1 कैसे आया, क्या एजप्शन था आपका, 2 इक्वेशन कैसे आया, क्या इज्यूम किया था आपने, क्या माना है, 0 क्यों लिख दिया आपने, तो इक्वेशन 3 कैसे आ गया, फिर यहां तक इक्वेशन 4 कैसे आया, और ये P इज इक्वल टू E/3 क्या है, आपने एक चीज स्पेशली कहा है और आपको स्पेशली पता भी है, स्टडी कर चुके हैं आप, कि ब्लैक बॉडी के अंदर वो जो रेडिएशन होता है वो गैस मॉलिक्यूल के टाइप हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये मान सकता हूं मैं कि आपको इक्वेशन 5 तक सब चीजें क्लियर हैं। अब एक नया एजप्शन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उस एजप्शन के बारे में थोड़ा सा एक लेक्चर सिंपल सा बात और बताना है आपको, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर आप आगे जाते हैं तो एक एजप्शन हम लोग ये मानेंगे कि फैल रहा होगा, मतलब अगर कोई रेडिएशन इसके ऊपर आके ऐसे टकराया तो टकराने से क्या होगा, ये अपना पोजिशन चेंज करेगा, तो रिफ्लेक्शन इस पोजिशन से होकर के इधर हो जाएगा। बात ऐसे समझिए आप, देखिए क्लियर है बात, एकदम आसानी समझ में भी आ जाएगा। ये इनिशियल स्टेज है, यहां पे आपका ये वॉल था, सीधा सीधा दिखा रहा हूं ताकि पिक्चर क्लियर हो आपका, ये गोला है, ये उसकी दीवार है, इसके ऊपर कोई रेडिएशन मान लेते हैं इंसिडेंट हुआ,
ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है Mn। अब ये प्रेशर लगाया होगा, तो प्रेशर लगाने से ये अपने पोजीशन को, ये M पोजीशन था, इसको N पोजीशन पे ले लीजिए, फैलता है, मतलब ये फैल के इधर आ गया इस तरीके से। तो इनिशियली हम लोग ये मानते हैं कि रिफ्लेक्शन यहां से होता है, मतलब ये O है, ये A है, और इस डायरेक्शन में इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये इंसिडेंट एंगल है। चूंकि ये फैलता है तो अब रिफ्लेक्शन A पोजीशन से नहीं होगा, M पोजीशन से नहीं हो रहा, किस पोजीशन से हो रहा है, N पोजीशन से हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन किधर हुआ, इधर हुआ, ऐसा, ये B पॉइंट पे टकराया और रिफ्लेक्शन इस BO डायरेक्शन पे हो गया, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल लाइन था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोज थीटा एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये डायग्राम क्लियर हुआ? आपका जो ब्लैक बॉडी है वो स्फेरिकल शेप है, और इसके ऊपर जब कोई रेडिएशन, इसके ऊपर जब कोई रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या करता है, प्रेशर लगाया तो ये खिसक जाएगा। तो अब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, M पोजीशन से नहीं, N पोजीशन से होगा। तो कुछ ये डायग्राम बना, इसका मतलब रेडिएशन A पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, A पॉइंट पे टकराया और AO डायरेक्शन पे परावर्तित हो गया, और आफ्टर टाइम t ये अपने पोजीशन को वॉल क्या करेगा, चेंज किया, m से n पोजीशन पे चला गया। और अब रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, b पॉइंट से हो रहा है, यहां से आफ्टर टाइम t, किस डायरेक्शन में, bo डायरेक्शन में। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, t टाइम पे v वेलोसिटी से अगर कवर करे तो इसको आप लोग Vt लिख देंगे। ध्यान रखिए ये V फॉर वॉल्यूम नहीं है, V फॉर वेलोसिटी है, वेग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब जब पोजीशन चेंज हो जाता है तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपने सुना है, है ना, क्या होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, डॉपलर इफेक्ट दूरी बढ़ने से वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। अब वेवलेंथ चेंज हुआ तो कितने का चेंजेस हुआ निकालने के लिए, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप यहां पे, इस पे, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं आर पॉइंट है, इसको पी ले लीजिए, ठीक, और इस पॉइंट को एस ले लेते हैं। तो वेवलेंथ में इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ में परिवर्तन होगा, वेवलेंथ में वृद्धि हुई, तो इंक्रीज इन वेवलेंथ कितना आया, वेवलेंथ में वृद्धि, कितने का आया, देखिए वेवलेंथ में वृद्धि कहां से कहां तक हुआ, ए से बी और बी से आर तक का, यहां परपेंडिकुलर डाल दिए, इसका मतलब ये हुआ ये इक्वल साइज में बांट दिए, तो एक्सेस कितने का आ रहा है, एक्सेस कितने का हुआ, ए से बी और बी से आर तक का, बाकी आर ओ और ए सी इक्वल है, तो इंक्रीज हुआ ए बी प्लस बी आर, क्लियर है। अब इस डायग्राम पे फोकस कीजिए, ये जो डायग्राम है यहां पे अगर आप देखें तो पी बी और बी आर मिलके पी आर बना रहे हैं, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम द फिगर पी बी प्लस बी आर
इक्वल्स टू पी आर है, और इसको मैं ए पी कॉस थीटा कर सकता हूं। कैसे? ये ट्रेंगल देखिए, ए ठीक पी और आर राइट एंगल ट्रेंगल है, ये आर 90 डिग्री का ऐसा है ना, ए और ये पी, क्लियर है? तो पी आर की जगह एपी रख सकते हैं कॉस थीटा के हिसाब से, और यहां ये जो एम एन है वो ए एस के इक्वल होगा, है ना। अब ए एस के इक्वल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो लाइन आपने लिया है, कौन सा लाइन लिया, ए एस प्लस एस पी करेंगे तो एपी बनेगा, ए एस प्लस एस पी करेंगे तो एपी बनेगा, और ए एस और एस पी एक दूसरे के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, पी बी बी आर, एपी की जगह ए एस प्लस एस पी, और ए एस और एस पी एक दूसरे के इक्वल है, तो 2as cos थीटा, और as की वैल्यू कितनी है, vt के बराबर, तो ये हो जाएगा pb प्लस br इक्वल, यहां पे कितना आएगा, 2vt, ये हो गया cos थीटा। तो टाइम पीरियड, ये जो टी है, ये जो टी है इसकी बात कर लीजिए, टाइम पीरियड आवर्तकाल की बात करें, तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश तरंग का तरंगदैर्ध, ये तरंगदैर्ध और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है, और आवृत्ति क्या होता है, 1/T, तो t का वैल्यू अगर आप निकालें तो लेमडा बाई सी आएगा, तो t की जगह लेमडा बाई सी रख देते हैं, तो आपको मिलेगा pb प्लस br इक्वल 2v लेमडा बाई सी cos थीटा। इसको आप नेक्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, कहां तक गया था मैं तो मिटा चुका हूं, मेरे को याद नहीं है, फिफ्थ तक गया था शायद, तो इसको मैंने सिक्स मान लिया, अगर वो फोर तक गया रहा तो देख लीजिएगा। आगे गए तो क्या आएगा, चूंकि आपने एक बात क्लियरली कहा है कि आपका ये जो ब्लैक बॉडी है ये वो स्फेरिकल शेप का है, दिख रहा है मार्कर का इंक जा रहा है सर, स्फेरिकल शेप का है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस आर है, तो जब कोई रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो इस डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट होगा, और उसके बाद इस डायरेक्शन पे वापस ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, ऐसे आया ऐसे गया, और ये तो ये पॉइंट है मान लेते हैं P, ये हो गया Q, और यहां से एक पॉइंट ले लीजिए आप R का, और रेडियस R ही है और ये थीटा है, तो पर सेकेंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं, प्रति सेकेंड परावर्तन कैसे निकालें, तो जिस वेग से टकराएगा और जितनी दूरी, प्रति सेकेंड निकालना है ना टी टाइम पे, तो प्रति सेकेंड रिफ्लेक्शन कितना हुआ, रिफ्लेक्शन पर सेकेंड, ये होगा वेग कितना है आपका सी, और दूरी कितना चल रहा है ये पी क्यू, तो आप सी पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस आर क्यू, और अगर इस ट्रेंगल पे आप इस ट्रेंगल पे अगर आप कॉस थीटा निकाल दें, कॉस थीटा निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा के इक्वल आएगा,
पी आर की वैल्यू आर कॉस थीटा और आर क्यू की वैल्यू भी आर कॉस थीटा। तो ये पी क्यू कितना हुआ, पी आर प्लस आर क्यू, और इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल से अगर देखें तो ये कितना आ रहा है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा टू आर कॉस थीटा। ठीक है, ये वन सेकेंड के लिए। तो डी टी सेकेंड के लिए अगर निकालू तो रिफ्लेक्शन इन डी टी सेकेंड के लिए अगर निकालू तो डी टी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी डी टी बाई टू आर कॉस थीटा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 7। देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आपको, तो पीछे जाके फिर देखिए इसको, इमेजिनेशन को समझिए और वापस फिर यहां आइए एक एक करके और आराम से। ठीक है, अब एक चीज देखिए, dt सेकेंड पे कितना हो रहा है रिफ्लेक्शन, इतना, और हर रिफ्लेक्शन में तरंग दैर्ध्य में वृद्धि कितना निकाले हैं आप, इतना। तो dt सेकेंड में कितना होगा तरंग दैर्ध्य में वृद्धि, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तरंग दैर्ध्य कितना बढ़ जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो dt सेकेंड के लिए ये समय है ना, इतने बार रिफ्लेक्शन होता है, और इतने बार अगर रिफ्लेक्शन होगा तो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि कितना होगा, एक के लिए इतना है पर रिफ्लेक्शन के लिए, तो इतने बार का, इतने बार रिफ्लेक्शन होने से कितना आएगा, तो इसको आप लिखेंगे 2v लैम्डा बाय c cos थीटा इनटू c dt बाय 2r cos थीटा। तो ये cos थीटा इस cos थीटा से कैंसिल हुआ और ये वाला c, ये वाले c को एलिमिनेट किया, क्या बचेगा भाई, 2 और 2 भी कैंसिल हुआ, v लैम्डा बाई आर डी टी। ठीक, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि डी लैम्डा मान लेते हैं। तो सिंपल कीजिए, डी लैम्डा, लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल वी डी टी बाई आर। ठीक है, और v वेलोसिटी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी आर बाई डी टी। अब आप लोग सोचेंगे कि डी आर काहे लिख दिए, भाई जब ये फैलेगा तो r त्रिज्या थी पहले, ये r त्रिज्या, और जब फैल जाएगा तो कितनी की वृद्धि होगी, डी आर का, तो यहां से लेकर डी आर दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है, ये डी टी समय, कितना समय लग रहा है, डी टी समय। तो वेलोसिटी कितना लिखेंगे आप, डी आर बाई डी टी लिखेंगे। तो एक काम करें क्या, यहां यहां अगर आप सॉल्व करें तो वी डी टी की जगह डी आर लिख सकते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या बना भाई, डी लेमडा बाई लेमडा और डी आर बाई आर। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड को, अगर इसके दोनों साइड को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिला आपको लॉग लेमडा log r और ये log c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट के हिसाब से क्लियर है। अब इसको वही फिर से वही प्लस है तो क्या करें, तो इसको आप सिंपल करेंगे तो log lambda log rc होगा। अब इसका मतलब lambda की वैल्यू rc के इक्वल, तो लैम्डा बाई आर को हम लोग एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 8। तो ये दो रिजल्ट निकल के आए हैं, शायद फिफ्थ नंबर के इक्वेशन का एक रिजल्ट आपने ये लिखा था, शायद याद हो, आर टी इक्वल टू सी, और अभी आपने निकाला लैम्डा बाई आर इक्वल टू सी। इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिला, आर टी इंटू लैम्डा बाई आर इक्वल टू सी इंटू सी, दोनों कॉन्स्टेंट है, सी स्क्वायर नहीं लिखूंगा मैं,
दोनों कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, बी बना लिया, तो आर और आर कैंसिल, ये हुआ लैम्डा एम टी, ये मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ वाला है, इज इक्वल टू बी। ये है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का डेरिवेशन। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसको आप बहुत आराम से देखिए और आराम से समझिए इसको, तो ये चीजें आपको आसानी से क्लियर हो सकती हैं। इसके बाद अगले लेक्चर पे हम लोग रेले जीन्स लॉ पे बात करेंगे, वो उसका डेरिवेशन भी काफी लंबा तो है लेकिन ना इजी है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।